नमस्कार, डीवी न्यूज में आपका स्वागत है। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में एक बार फिर से आतंकियों और सेना के जवानों में मुठभेड़ की खबर है। ये मुठभेड़ कुमकुरी इलाके में शुरू हुई है। आपको बता दें कि सेना के 3 जवान भी घायल हुए हैं। आतंकियों की तलाश में सेना ने सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। बता दें कि पिछले कुछ हफ्तों से लगभग हर दिन जम्मू कश्मीर के किसी न किसी जिले में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ हो रही है। जम्मू कश्मीर में पिछले कुछ हफ्तों से जम्मू कश्मीर के किसी न किसी जिले में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हो रही है। सेना ने हाल ही में LOC पर घुसपैठ की कई कोशिशों को नाकाम भी किया था। पिछले 3 दिनों में कुपवाड़ा में ये दूसरी मुठभेड़ है। ये मुठभेड़ कुमकरी इलाके में आतंकवाद विरोधी अभियान के दौरान हुई है। संभावित आतंकवादी गतिविधियों की सूचना मिलने के बाद सुरक्षा बलों ने कुमकरी इलाके में आतंकवाद विरोधी अभियान शुरू किया था। सुरक्षा बलों को आज यहां पर आतंकियों के छुपे होने की सूचना मिली थी, जिसके बाद यह ऑपरेशन शुरू हुआ था। इसमें 3 सेना के जवान घायल हो गए हैं। सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच कुपवाड़ा में मंगलवार को भी मुठभेड़ हुई थी। आतंकवाद विरोधी अभियान के दौरान सुरक्षा बलों और आतंकियों का सामना हो गया था। इसके बाद इलाके में एनकाउंटर शुरू हो गया था। इसमें सेना का एक जवान शहीद हो गया, जबकि सुरक्षा बलों ने एक आतंकवादी को वहीं ढेर कर दिया था। बता दें कि जम्मू कश्मीर के पहाड़ी जिलों के ऊपरी इलाकों में 40 से 50 पाकिस्तानी आतंकियों के छुपे होने की जानकारी सामने आई है। इसके बाद से ही सुरक्षा बलों ने उन्हें पकड़ने का अभियान चला रखा है।